अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना को सफल बनाने के विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण यात्रा फिरोजाबाद पहुंची। भोपाल आश्रम पर किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान जय श्री राम की जय घोषो गुंजा। शहर फिरोजाबाद रविवार की देर शाम करीब 7 बजे विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण यात्रा फिरोजाबाद के गोपाल आश्रम पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं का भव्य जोशीला स्वागत किया। शौर्य जागरण यात्रा फिरोजाबाद शहर में भ्रमण किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने केसरिया ध्वज फहराया और जय श्री राम के जयकारों से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। बताया जाता है शौर्य जागरण यात्रा अयोध्या रामलाल के मंदिर पर संपन्न होंगी और इस शौर्य जागरण यात्रा के माध्यम से अयोध्या में मंदिर के प्रति जन जागरण किया जा रहा है। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। रामलला विराजमान होने वाले हैं, अर्थात 15 से 25 जनवरी के बीच किसी शुभ मुहूर्त में वहां प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का विषय हिंदू समाज के लिए सामान्य नहीं है। 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भारत पर आक्रमण के क्रम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ना प्रारंभ किया। सबसे पहले पंडित देवी दिन पांडे के नेतृत्व में पहला युद्ध हुआ। 5000 पुजारी वहां पर एकत्रित आए, उनका बलिदान हो गया, श्री राम जन्मभूमि का ध्वंस नहीं हो पाया। सुन रहे हैं सभी कार्यकर्ता बहुत जोश में, फिर भी मेरा आग्रह है कि मैं मुख्य वक्ता समझ के मत सोचिएगा कि मैं कोई घंटा सवा घंटा बोलने वाला हूँ। स्थितियां परिस्थितियां विलंब सारी जानकारी मेरे को है और मैं कोई बाहर से भी नहीं आया हूँ, मैं आपका ही प्रांत मंत्री हूँ, इसलिए ये मेरे लिए उतना ही वैसा ही कार्यक्रम है जैसे शाहजहांपुर या आगरे का। परंतु पीछे जहाँ पर ध्वज वितरण हो रहा है, राजीव जी ध्वज वितरण रुकवा दीजिए, सारी समस्या वहां से पैदा हो रही। आज की शौर्य जागरण यात्रा के